मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जब आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और उस समय राहु महाराज की और गुरु महाराज की यदि आपके कुंडली में युति बन जाए, तब आपको क्या प्रभाव देंगे राहु महाराज या गुरु महाराज? जब ये युति बनाते हैं, योग बनाते हैं, उस समय राहु महाराज का प्रभाव और गुरु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है, उस समय कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, राहु महाराज ये आपके कलयुग के प्रमुख देव बोले जाते हैं, गुरु महाराज इनके विपरीत ग्रह बोले जाते हैं। मारक की दृष्टि में इनके लिए गुरु महाराज आते हैं और शनि कारक की दृष्टि में आते हैं। यदि इनका युति गुरु महाराज के साथ बनता है तो कौन सा योग बनता है, क्या ये आपके लिए शुभ परिणाम देंगे या अशुभ परिणाम देंगे, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। राहु महाराज ज्यादातर मन में संदेह, भ्रम या फिर कह लें कि इस समय नेता बनाने का कार्य करते हैं, या फिर कह लें कि यदि आप जो कार्य करने में सफल नहीं हो रहे हो उसके पीछे कहीं ना कहीं राहु का ही हाथ रहता है कुंडली में। यदि आप सफल हो रहे हो, बड़े बिजनेसमैन बन रहे हो, बड़ी सफलता प्राप्त कर रहे हो, तब आपके कुंडली में राहु प्रबल रूप से मजबूत है, तभी आप कलयुग में अपना विकास कर पा रहे हो। ऐसे जातक जिनका मीडिया लाइन में या फिर बोले एक्टिंग लाइन में यदि उनका रुतबा ज्यादा बढ़ रहा है तो भी आपके कुंडली में राहु मजबूत है। जब आपके कुंडली में राहु महाराज के साथ गुरु महाराज जी बैठ जाते हैं तब आपके कुंडली में चांडाल योग बनता है। चांडाल योग का मतलब होता है कि जब आप जो कार्य करने जाओगे उस कार्य में निश्चित रूप से बाधा गुरु महाराज आपको उत्पन्न करेंगे, जहां पर आपकी मानसिक स्थिति जो रहेगी वो बिल्कुल भ्रम की अवस्था में आ जाएगी। जो आप सोचोगे करने के लिए उसमें निश्चित रूप से आपको भ्रमित कर देंगे राहु महाराज और आप गलत डिसीजन ले लोगे। जब राहु महाराज गुरु महाराज काल सर्प योग में एक साथ आते हैं तो जातक को हर तरह का कष्ट प्रदान करते हैं, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई हो या फिर आपका संतान योग हो या फिर आपका वैवाहिक जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, भाग्य को लेके कठिनाइयां, लाभ का सतत प्रमाण कम होना, बिजनेस व्यापार का ठप पड़ जाना। आप जितना ज्यादा अपने आप को प्रमोट करोगे, सोचोगे कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं, बड़ा कार्य करूं, उतना ज्यादा आपको यहां पर राहु महाराज गुरु महाराज मिलके आपको परेशान करेंगे। तो यदि काल सर्प योग में राहु महाराज के साथ गुरु महाराज बैठ जाएं तो आपको उनको तुरंत उपाय कर लेना चाहिए। राहु महाराज जब गुरु महाराज के सानिध्य में आते हैं तब आपके बिजनेस व्यापार पे ताला लगाने का कार्य करते हैं, जिससे आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है वहां पर ये आपके मन में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के ऊपर शक करने लगोगे, या फिर आपके मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएंगे जिसके वजह से आपको दुख भोगना पड़ेगा, उसका बिछोस आपको सहना पड़ेगा, उससे दूरी बनानी पड़ जाएगी। तो राहु महाराज यहाँ पे आपके प्रेम प्रसंग में आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पे भी दाग लगाते हैं, ग्रहण का कार्य करते हैं एक तरीके से, यहां पर चांडाल योग बनाते हैं। जो भी काम करोगे राक्षसों की प्रवृत्ति वाली कार्य हो जाएगी, जहां पे आपका कार्य सरलता से हो जाएगा वहां आप बड़े ही कठिनाइयों से गुजरते हुए उस कार्य को पूरा करोगे। भाग्य मानो आपसे पूरी तरह से रूठ गया है। इस तरीके से आपके जीवन में जब गुरु और राहु एक साथ आके बैठ जाते हैं तब ऐसा प्रतीत तो होने लगता है। तो यहां पर उपाय क्या करें, उपाय में मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको उपाय में श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोतम का पाठ करना चाहिए। यदि आप श्री हरि का जाप करते हैं, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोतम का पाठ करते हैं,
तब यहाँ पर गुरु महाराज आपके विचारों में परिवर्तन करेंगे। जो आप कार्य कर रहे हो, ज्यादातर यहाँ पे जितने भी डिसीजन आप लेंगे ना, गुरु महाराज जब आएंगे तो आप अपने दिमाग से ही परेशान रहोगे, दिमाग को लेके कहीं गलत डिसीजन ले लोगे या फिर कुछ गलत बोल जाओगे, क्योंकि सोचने समझने की जो क्षमता है यहाँ पर गुरु महाराज जीरो लेवल पे कर देते हैं राहु महाराज के सानिध्य में आके। तो राहु बुद्धि को हर लेता है, तो यहाँ पर बुद्धि को मजबूत करने के लिए आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोतम का पाठ करना चाहिए, श्री हरि का जाप करना चाहिए, कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए, राम जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके कुंडली में गुरु मजबूत हो जाएगा। अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, इधर की बात उधर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे आपके कुंडली में राहु प्रसन्न होते हैं और आपके लिए गुरु यहाँ पर बलि होते हैं, उच्च के हो जाते हैं, मजबूती प्राप्त करते हैं और आपकी कुंडली में शुभाशुभ परिणाम देते हैं। तो यदि आपको और भी कुछ जानना है चंडाल योग को लेके, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।